हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई एम नीरज सिंह। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन थर्मल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी वारंगल, प्रेजेंटली वर्किंग इन सेंट्रल ऑफिस इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो लेक्चर्स ऑन सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। वी हैव ऑलरेडी पब्लिश टू लेक्चर्स फॉर यूनिट नंबर 5, दैट इज रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स। One video, the first video was introduction part. Right? हालांकि वैसे तो देखो तो ये पूरा chapter ही केवल introduction, आप लोग बहुत ज़्यादा detail में नहीं पढ़ने वाले। But पहला video जो था उसमें introduction था, इन सब में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, उसके basic चीज़ें, right? And then second video was about the Carnot cycle, right? One of the most important cycles, तो सबसे ज़्यादा interviews में पूछने जाने वाले questions आते हैं, right? So, उसको हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा है ना। मैंने कोशिश किया कि तुम लोग जितने अच्छे से छोटे में समझा सको समझाया मैंने, राइट, और सब कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर किया। उसमें लास्ट लास्ट में हमने देखा कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्यों वो प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है इस, राइट, हम देखा था ये डिस्कस किया था, क्योंकि एक प्रोसेस फास्ट होता है, एक प्रोसेस स्लो होता है, और दोनों ही साइमल्टेनियसली साथ में हों ये हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे प्रैक्टिकली। इस वजह से उन साइकिल्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाए। तो प्रैक्टिकली यूज क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिकली यूज करते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, राइट, जो पेट्रोल इंजन आते हैं, डीजल इंजन आते हैं, उनके पीछे जो साइकिल, मतलब उनके साइकिल मतलब क्या, उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो चल रहे हैं, राइट, वो हम लोग उसको थर्मोडायनेमिक साइकिल्स बोलते हैं, राइट। सो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में ये हम लोग ऑटो साइकिल डीजल साइकिल की बात करें तो बहुत वास्ट चैप्टर है, राइट, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। इसको हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में यहाँ तो नहीं पढ़ने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। इसका फिर आगे थोड़ा डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में जाकर के, एंड उसके बाद एकदम कंप्लीटली डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे इंटरनल कंबशन इंजन, एक सब्जेक्ट है, राइट, मैकेनिकल इंजीनियर्स को एक सब्जेक्ट है इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम केवल उनका बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लेकर के और उनके एक्चुअल साइकिल्स नहीं देखेंगे हम लोग, एक्चुअल पेट्रोल साइकिल, एक्चुअल डीजल साइकिल, वो करिकुलम में नहीं है आप लोग के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर हो सके तो मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज वो आपके करिकुलम में नहीं है। तो करिकुलम में है विद ऑल दीज ऑब्जेक्शंस। हमने क्या किया कि ऑटो साइकिल भी आइडियल साइकिल बनाया, एक ऑटो साइकिल डीजल साइकिल एक आइडियल साइकिल बनाई, राइट, उसके बाद फिर उसमें से ऑब्जेक्शन हटाए और एक्चुअल साइकिल बने जो कि मार्केट में निकल के आते हैं, राइट। सो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, we will start the this ideal cycles, इनको हमने नाम दिया air standard cycles, इन सारे cycles को बोलते हैं air standard cycles, क्यों air standard cycles बोलते हैं, क्योंकि because of the assumption, देखेंगे air क्यों आता है standard cycles के बाद, right? So assumptions क्या है, तो ये सारे ये जो assumptions ले रहा हूँ मैं, ये auto cycle में valid रहेगा, diesel cycle में भी valid रहेगा, और ये dual cycle में भी valid रहेगा, इसलिए बहुत important है, मैंने पहले से लिख के रखे हैं और आप लोगों को मैं समझाता हूँ क्या है ये assumption। तो जो पहला अजम्पशन है ना एयर स्टैंडर्ड साइकिल का, दैट इज कि एयर जो रहेगा है ना, एयर जो है वो हमारा वर्किंग फ्लूइड रहेगा, यहाँ पे कोई पेट्रोल कोई डीजल कुछ भी नहीं ना, केवल एयर है, एयर ही वर्किंग फ्लूइड है हमारा, ये हमने अज्यूम किया और बोला कि वो विच बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, वो एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है। आइडियल गैस क्या था याद रखना को, आइडियल गैस जिसके पास विस्कोसिटी नहीं होती है और इनकंप्रेसिबल होता है, फाइन। सो इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये वैसा गैस है, और ये जो आइडियल गैस होते हैं ना इनका सीपी और सीवी कांस्टेंट रहता है, राइट, वेरी नहीं करता इनका सीपी और सीवी, तो सीपी सीवी कांस्टेंट रहता है, राइट, ये इसी का अजम्पशन। बहुत सारे बुक में आपको ये अलग से एक अजम्पशन मिलेगा, बट नहीं, ये अलग से अजम्पशन नहीं है, ये इसी अजम्पशन का पार्ट है, राइट, इसी अजम्पशन से निकल के आता है ये। तो ये एक अजम्पशन हुआ क्या कि एयर हमारा वर्किंग फ्लूइड है और वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, इसी से मुझे पता चला कि सीपी और सीवी जो रहेगा वो थ्रू आउट साइकिल कांस्टेंट रहेगा, नाइस। सेकंड वाला देखते हैं, राइट, सेकंड क्या है, सेकंड बहुत सिंपल है, ये अजम्पशन तो हम हर जगह लेते हैं, क्या कि जब तक हम नहीं चाह रहे हैं कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, राइट, देयर इज नो अनइंटेंशनल हीट लॉस, केवल जहां मैं चाहता हूं वहीं पे हीट ट्रांसफर होगा, जहां मैं नहीं चाहता हूं वहां पर ट्रांसफर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मैं हूं, मैं राजा हूं, मैंने जो बोल दिया वही होगा, है ना, मैं नहीं मतलब हम इंसान, हमने बोला कि इसमें नहीं हो रहा तो नहीं होगा, होता है यार, सब होता है, एक्चुअल साइकिल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि होता है तो क्या होगा, बट यहां पर हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं है जहां हम नहीं चाहते,
तो हम कहां नहीं चाहते, तो हम कहीं नहीं चाहते, क्योंकि दो जगह पे चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर हो। कहां कहां? एक जहां पे हम हीट ऐड कर रहे हैं और एक जहां पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, बस यही दो जगह पे हीट ट्रांसफर होना चाहिए, बाकी और कहीं हीट ट्रांसफर नहीं होगा। राइट, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, केवल दो ही जगह पे हो, हीट एडिशन की जगह पे और हीट रिजेक्शन, वहीं पे केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से। राइट, चलो तो दो हो गए, सिंपल, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है अपने को। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं, ये तो मतलब इससे अच्छा जंक्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती का जंक्शन है, एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन चल रहा है और लोग बोल रहे हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन। हम एज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, हालांकि इससे हमें थोड़ा पढ़ने में इजी हो गया और इसको भी हम बाद में हटा देते हैं, इसमें भी हम बाद में हटा देते हैं, और फिर जब इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ते हैं ना तो उसमें से इस अजम्पशन को भी हटा देते हैं। राइट, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, बट अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि ऑल दी प्रोसेस आर फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मानने से हुआ क्या, फ्रिक्शन नहीं है तो देयर विल बी नो इररिवर्सिबिलिटी। अगर कोई इररिवर्सिबिलिटी नहीं होगी तो जो सारे प्रोसेस है ना वो रिवर्सिबल होंगे। राइट, इस बात पे मेरा ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर अभी तक नहीं उतना समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इररिवर्सिबिलिटी और ये सब रहने दो। अभी मैंने क्या बोला, थर्ड एजम्पशन क्या है कि सारे प्रोसेस फ्रिक्शनलेस हैं, और फ्रिक्शनलेस हैं इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि सारे प्रोसेस रिवर्सिबल है। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आता, फोर्थ एजम्पशन पे आता हूँ। फोर्थ एजम्पशन क्या बोल रहा है, फोर्थ एजम्पशन बोलता है कि हम मानेंगे कि पिस्टन और सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, मतलब जो इंजन है हमारा, वो इंजन एक क्लोज सिस्टम है, वो एक क्लोज सिस्टम है। राइट, होता नहीं है क्लोज सिस्टम, होता नहीं है क्लोज सिस्टम, बट मैं यहां पे अजम्पशन लेके चल रहा हूं। राइट, ओके, सो इस अजम्पशन से हुआ क्या, अगर मैंने क्लोज सिस्टम मान लिया तो कैसे मैं उसको क्लोज सिस्टम बना सकता हूं, क्योंकि वहां पे तो सक्शन वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, बाहर के फ्लूइड आते हैं, फ्लूइड बाहर जाता है, तो हुआ तो ओपन सिस्टम, उसको क्लोज सिस्टम कैसे बना सकता हूं। तो मैंने इसको क्लोज सिस्टम ऐसे बनाया, मैंने माना, आई हैव अज्यूम्ड दैट, यही वाला, आई हैव अज्यूम्ड दैट देयर इज नो सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस। सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस है ही नहीं इसमें, मतलब देयर इज नो सक्शन वाल्व, नो एग्जॉस्ट वाल्व, कोई वाल्व ही नहीं है इंजन के अंदर, है ना। जादू से ही हमारा एयर आ जा रहा है अंदर और जादू से ही एयर गायब हो जा रहा है हीटर। राइट, गायब नहीं हो रहा है, हम मानते हैं कि वही एयर ही है जो वर्किंग फ्लूइड है, बस केवल हम लोग हीट दे दे रहे हैं अंदर और हीट ले ले रहे हैं। राइट, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा, केवल हीट ले ले रहे हैं एयर से और हीट दे दे रहे हैं एयर को। राइट, ये हमने अज्यूम किया हुआ। चलो, ये समझ में आया होगा मैं होप करता हूँ। फाइट, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार वापस रिवाइज कर लो, मैंने सब कुछ बता दिया इसमें से। हो सकता है कि मैं बहुत बार रिपीट नहीं किया हूँ, या वैसे किया तो बहुत बार रिपीट में आ जाते तुम लोगों को पढ़ाने की, है ना, तुम लोग सब काने लोग कुछ भी डाउट पूछते मेरे से, अच्छा है, बट मैं मजा आता था क्लास में, अच्छा लगता था मुझे। यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता, देखो यार अपने को आदत नहीं है बहुत ज़्यादा, आदत है थोड़ा थोड़ा बात करके इंटरेक्ट करके पढ़ाने का, बट ठीक है। चलो, ये चार पॉइंट याद है सबको, सब ध्यान में रखेंगे। राइट, अभी के लिए मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन ये तुम लोग कॉपी में तुम लोग लिख चुके होगे और इसको सब लोग ध्यान में रखोगे। फाइन, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे, ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल देखेंगे। राइट, देन वी विल डिस्कस डीजल साइकिल, उसके बाद ड्यूअल साइकिल, फिर आएंगे हम लोग पेट्रोल इंजन पे, पेट्रोल इंजन के टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक और डीजल इंजन के टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक, है ना। परवेश सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल लैब में समझाया है, बट मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में और आपको नॉलेज दे सकूं। फाइन, चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय, स्टे एट होम, बी सेफ।